फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? जनाब के किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा पराठा। तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए। हमारी सूजी है आधी कटोरी, एक कटोरी से कम चीनी है, टूटी फ्रूटी है, नारियल है, एक सफ़ेद इलायची है, तरबूज के बीज है, फूड कलर है, मैदा है पराठे के लिए एक कटोरा, टल्ले के लिए तेल और घी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैदे को गूंद लेते हैं। इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच ऑयल, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए इसमें पानी डालते हैं। हल्के हल्के हाथों से गूंद लेना है। हमारा मैदा गूंद गया है। इसको हम रेस्ट देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा भगोना गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं घी और तेल। ये तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं सफेद इलायची। अब हम डालेंगे इसमें सूजी। अब इसको अच्छे से धीरे धीरे भून लेंगे सूजी को। ये देखिए हमारी रवा अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, फूड कलर, अब डालेंगे पानी, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। थोड़ा सा नारियल डालेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर से डालेंगे, थोड़े से तरबूज के भी हैं। ये खोल के देखते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बन गया। अब इसमें डालेंगे चेरी, थोड़ी सी लाल, थोड़ी सी हरी, इसको चला देंगे, बंद कर देंगे। देखिए हमको ऐसे पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए हमारे पेड़े बन गए हैं। चलिए इसको बेलते हैं। इसको तेल लगा लेना है पट्टे पर। अब इसको हम बेलेंगे। देखिए उनको ऐसे बढ़ा लेना है। ऐसे हमको इसको बढ़ा लेना है। अब इसमें हम तेल लगा देंगे। ऐसे लोई बना लेंगे। ये देखे भाई लोई बनके तैयार हो। ऐसी सारी बना ले। देखिए हमको पराठे को ऐसे बढ़ा लेना है हाथ से। पराठा बिल गया है। चलिए इसको हम सेकते हैं। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं पराठा। ये देखिए हमको इसको पलट लेना है।
ये देखिए हमको ऐसे सारे तल लेने हैं। ठीक है, अच्छे से सीखा हमको ऐसे सेक लेने हैं। देखिए हमारा हलवा पराठा तैयार हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।